दोस्तों, अपनों से ज़्यादा वफादार तो ये जानवर होते हैं जो अपनी वफादारी निभाने के लिए किसी भी हद तक पार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस दौर में जहाँ इंसान इंसान को मार रहा है, वहीं ये जानवर भी कई ऐसी मुसीबतों में पड़ जाते हैं जिनका उनको कभी अंदाजा भी नहीं होता। पर दोस्तों, आज की इंसानियत से भरी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जानवरों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक पार हो जाते हैं। पर दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने जानवर की मदद करने के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हाईवे कैट। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसा होता है जो हमारी आंखों के सामने तो होता है पर हमें पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ इस बिल्ली के साथ भी हुआ। दोस्तों, यह बिल्ली जो कि हाईवे पर फंसी हुई थी, हाईवे के तेज स्पीड गाड़ी चल रही थी, इसलिए यह बिल्ली वहां से भाग नहीं पा रही थी और कोई उसे ध्यान से देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि बिल्ली का बच्चा था। तभी एक महिला कार से उतर कर आती है और उस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। वह घर पर ले आकर इसे दूध पिलाने के बाद एनिमल रेस्क्यू टीम को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है। तब रेस्क्यू टीम इसे अपने साथ ले जाती है और वहाँ पर इसकी देखभाल करती है। नंबर 2, फ्रोजन लेक। दोस्तों, जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए फ्रोजन लेक काफ़ी खतरनाक होती है क्योंकि दोस्तों, सर्दी के समय में जैसे जैसे तापमान कम होने लगता है वैसे वैसे जमने लगती है। तो दोस्तों, कुछ जानवर तो उसको देखते ही भाग जाते हैं, पर दोस्तों, कुछ जानवर भागते भागते ही ऐसी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस लोमड़ी के साथ भी हुआ। जब ये भाग रही थी तो इसके पैर इस लेक में फंस गए और तब रेस्क्यू टीम को इस बात का पता चला तो वह वहां पर आती है और इस लोमड़ी को निकलवाने में मदद करती है। नंबर 3, पैरालाइज्ड डॉग। दोस्तों, यह वीडियो उदयपुर की है। जब एक रेस्क्यू टीम को पता चला कि एक डॉग चल नहीं पा रहा है तब वह वहां पर जाती है और उस डॉग को अपने साथ रेस्क्यू हॉस्पिटल में लेकर आती है। दोस्तों, तब वो ऑपरेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कुत्ते की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि यही कारण था जिस वजह से कुत्ता चल नहीं पा रहा था। फिर रेस्क्यू टीम उसका इलाज कर देती है और अब कुत्ता एकदम ठीक है। नंबर 4, बेबी एलिफेंट रेस्क्यू। दोस्तों, यह देखिए, अब आप हाथी का बच्चा कैसे चुपचाप जंगल में बैठा है। जब इस बात का रेस्क्यू टीम को पता चला तो वह पर पहुंची और हाथी के बच्चे की हालत देखने के बाद पता चला कि इसके पैर में चोट लगी हुई है जिस कारण ये यहाँ पर बैठा है। दोस्तों, तब रेस्क्यू टीम ने इसका इलाज वहीं पर करने का निर्णय लिया, पर दोस्तों, यह इलाज वहां पर नहीं हुआ और उसे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ा। दोस्तों, हॉस्पिटल में लाकर उस हाथी के बच्चे का पैर का तो इलाज हो गया और जब उसे रेस्क्यू टीम ने द्वारा जंगल में छोड़ा तो वह देखिए ये कैसे उनको सलाम भी कर रहा है। अब भला दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि अपनों से ज्यादा वफादार तो ये जानवर होते हैं। नंबर 5, जिराफ मेटल रिंग। जंगल के सबसे बड़े जानवर जिराफ से मिली जो कि देखने में बहुत खूबसूरत और बड़ा होता है। लेकिन जरा दोस्तों, अब जरा आप इसके पैर पर भी नजर डालिए। दोस्तों, इस जिराफ के पैर में एक मेटल रिंग फंस जाती है। जब इस बात का रेस्क्यू टीम को पता चलता है तो वे वहां पर आती है और उसको निकालने में जिराफ की मदद करती है। दोस्तों, थोड़ी कठिनाइयों के बाद जिराफ के पैर से ये रिंग काट के निकाल ली जाती है और उसके बाद जिराफ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों क्या आपने भी कभी किसी जानवर की मदद करी है तो हमें नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।